हम ये बहस शुरू करें उससे पहले आपको ये भी बताते हैं कि बताना तो पड़ेगा शो के दौरान अगले एक घंटे के दौरान 3 राउंड होंगे। इसमें क्या क्या होगा? पहला राउंड होगा सफाई एट द रेट ऑफ 60 सेकेंड, यानी सभी मेहमानों को मिलेंगे 60-60 सेकेंड अपनी बात रखने के लिए। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल का राउंड होगा जिस हिस्से में हम आज के मुद्दे पर बहस करेंगे, और तीसरे और आखिरी राउंड में आमने सामने होंगे मेहमान। अग्नि और पृथ्वी जैसी मारक मिसाइलों से लैस, दुश्मन को मिनटों में तबाह करने वाली ताकतवर टैंकों से सुसज्जित 13 लाख से ज्यादा सैनिकों वाली दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर आर्मी को क्या किसी सामाजिक राजनीतिक संगठन की मदद की दरकार है? चीन और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को अपने पराक्रम से बार बार मात देने वाले इन जांबाजों से फुर्तीला और चौकस आखिर और कौन है? ये सवाल उठा है बिहार के मुजफ्फरपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने दावा किया है कि सेना को जिस तैयारी के लिए 6 महीने का वक्त चाहिए, आरएसएस के स्वयंसेवक उसे 3 दिन में तैयार कर लेंगे। ऐसे में बताना तो पड़ेगा हमारा आज का सवाल ये है कि क्या संघ प्रमुख के बयान से सेना का अपमान हुआ है? क्या पाकिस्तान से लड़ेगी आरएसएस की आर्मी, और भागवत की सेना वाले बयान पर क्यों चुप है बीजेपी? इन सवालों के साथ हम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। 3 दिन में सरहद पर दुश्मनों से दो दो हाथ कर रही भारतीय सेना की मदद के लिए तैयार हो सकती है एक और सेना। ये मानता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, बीजेपी के मात्र संगठन आरएसएस में। ऐलान हुआ बिहार के मुजफ्फरपुर के जिला स्कूल मैदान से स्वयं संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुख से। मिलिट्री जैसी डिसिप्लिन हमारी है, और अगर देश को जरूरत पड़े और देश का संविधान कानून कहे तो सेना तैयार करने को 6-7 महीना लग जाएगा। मोहन भागवत के मुख से निकली ये बातें जंगल की आग की तरह देश की सियासत को सुलगाने लगी हैं। कांग्रेसियों ने बात का बतंगड़ बनाना भी शुरू कर दी, दिल का तार भी कर दिया। विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं ने मोहन भागवत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेंगलुरु में चुनावी रोड शो में जुटे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट का तीर छोड़ दिया। सेना के अपमान का हवाला देकर आरएसएस और बीजेपी से माफी की मांग कर डाली। हमारे मिलिट्री का अपमान सर देश के लिए खतरा है, ये देश के अंदरूनी स्थिरता के लिए इस तरह का संगठन जो है खतरा है। उन्होंने मुजफ्फरपुर में कहा कि भारतीय सेना को तो तैयार होने में 6-7 महीने लग जाएंगे, लेकिन हम हमारे स्वयंसेवक 2 दिन में ही तैयार हो जाएंगे। आखिर उनका इशारा कहाँ है? क्या वो बॉर्डर पे जाकर लड़ने की बात कर रहे हैं? ये उन लोगों का अपमान है जो देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं। ये हमारे तिरंगे का भी अपमान है क्योंकि हमारे सैनिक इसको सैल्यूट करते हैं। सेना और शहीदों का अपमान करने पर श्री भागवत जी आपको शर्म आनी चाहिए। इनका राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं, और इसीलिए इस प्रकार के बयान देते हैं। 52 साल तक इन लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। 2 लड़कों ने तिरंगा झंडा फहरा दिया तो उनके ऊपर 11 साल तक मुकदमे चलाए इन्होंने। इनका ये इतिहास है। तो देश की सेना का मनोबल गिराने की कार्रवाई है मोहन भागवत ने जो कुछ भी किया है, और मोहन भागवत को, आरएसएस को देश की सेना से माफी मांगनी चाहिए इस कृत्य के लिए। बयान से उठे बवंडर के बाद आरएसएस ने भागवत के बयान का बचाव किया, संगठन के मुखिया के साथ मजबूती से खड़ा हो गया। मनमोहन वैद्य बोले, बयान को तोड़ा मरोड़ा गया, मकसद वो नहीं था जैसा विपक्ष साबित करने की जुगत में है। साल भर पहले संघ मुक्त भारत का नारा देने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी भागवत के बयान में कुछ गलत नजर नहीं आया, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुद्धिमानी बरती, बयान से अनजान पर कन्नी काट गए। उन्होंने स्वयंसेवक सेना की कंपैरिजन नहीं की। सामान्य नागरिकों में से सेना तैयार करने का अगर मौका आता है और ऐसा कानून बनता है तो सामान्य नागरिकों से सेना बना, दोनों को सेना को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। नागरिकों में से भी सेना ही तैयार करेगी नए लोगों को, और स्वयंसेवकों में से भी सेना ही तैयार करेगी। कोई अगर नागरिक सीमा की रक्षा के लिए, और कोई नागरिकों का संगठन सीमा की रक्षा के लिए अपनी तत्परता को व्यक्त करता है तो इससे कोई मैंने इसको सिर्फ SMS और सोशल मीडिया में
नहीं देखा है, इसकी डिटेल भागवत जी क्या बोले मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। मुमकिन है मोहन भागवत की मंशा सिर्फ आरएसएस के अनुशासन का बखान करना हो, संगठन में सेना के लिए सहानुभूति का इजहार रहा हो, लेकिन मुद्दों की टोह में बैठे विपक्ष ने इसे मजबूती के साथ लपक लिया और चुनावी मौसम में इसकी गूंज देर तक सुनाई देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बताना तो पड़ेगा, मैं अब मिलिए हमारे मेहमानों के पैनल से। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव त्यागी। आपको बता दें कि राजीव त्यागी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रह चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी जी मौजूद हैं, संघ विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, मीडिया में संघ का पक्ष रखते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी भी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर यूपी विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हमारे साथ सेना का प्रतिनिधित्व आज कर रहे हैं कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू। भारतीय सेना में 40 वर्षों तक अपनी सेवा देने के बाद कर्नल के पद से रिटायर हुए हैं। टीवी डिबेट में कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दे पर अपनी राय रखते रहते हैं। आज हमारे साथ सेना का पक्ष रखेंगे इस मुद्दे पर। हमारे साथ इसके अलावा शायना एनसी भी जुड़ गई हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, फैशन डिजाइनर हैं, साड़ी को लेकर नए नए डिजाइन वो तैयार करती हैं, बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की सदस्य भी हैं शायना एनसी। सबसे पहले लेकिन शुरुआत करते हैं हमारे पहले राउंड की सफाई एट द रेट ऑफ 60 सेकंड। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी अवनिजेश अवस्थी जी आपसे, क्योंकि संघ के ऊपर सारी चर्चा हो रही है, संघ प्रमुख के बयान पर चर्चा हो रही है। आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। बड़ा मुद्दा ये कि क्या संघ प्रमुख के बयान से सेना का अपमान नहीं होता है क्या? मुझे लगता है कि जो लोग संघ को जानते हैं, संघ का इतिहास जानते हैं, उनको ऐसी कोई राय रखने का, ऐसी कोई प्रतिक्रिया देने का कोई अधिकार नहीं है। जब भी देश पर प्राकृतिक आपदा तक आई हो, कभी भूकंप आया हो, बाढ़ आई हो, तो ऐसे संघ के स्वयंसेवक ऐसे तमाम समय में, और जब विदेशी आक्रमण हुए, चाहे वो 1962 का हो, 65 का हो, 1948 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ हो, तो ये इतिहास गवाह है। और इतिहास गवाह इस रूप में नहीं है कि सिर्फ जुबानी जमा खर्च की बात है। 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संघ के स्वयंसेवकों को गणतंत्र दिवस की परेड में आमंत्रित किया था, इसलिए क्योंकि उन्होंने 1962 के चीन के साथ युद्ध में सीमा तक सैनिकों की जो सहायता की थी। ये पूरा बयान उस रूप में है कि आज हम जिस पाकिस्तान के साथ जिस प्रॉक्सी वार में लड़ रहे हैं, किसी भी समय युद्ध हो सकता है, तो संघ के स्वयंसेवक सेना के साथ पीछे खड़े होकर के जो भी अंदर की यहाँ की दिक्कतें हैं, जो भी यहाँ की है, वो पहुंचाने के लिए तैयार है। ठीक है, आपके मुताबिक अपमान नहीं है, लेकिन सेना की मदद करने के लिए आरएसएस तैयार है, ये कहने का मकसद था आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का। हमारे साथ राजीव त्यागी कांग्रेस पार्टी से मौजूद है। राजीव त्यागी जी, क्या इस पूरे बयान से विपक्ष को कोई मुद्दा मिल गया, इस वजह से इस पूरे बयान को इस तरह से पेश किया जा रहा है? क्योंकि आप तो कांग्रेस पार्टी ये बार बार कहती है जब कोई मुद्दा सामने आता है कि आरएसएस के लोग क्यों नहीं जाते हैं सेना पर जाकर, सीमा पर जाएं और जाकर सेना की मदद करें, लड़ाई करें पाकिस्तान से, पाकिस्तान को लेकर बयान देते हैं। अब अगर वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, तो इसमें भी आपको लग रहा है कि राजनीति, इसमें अपमान किया जा रहा है सेना का? आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं आप। निश्चित रूप से सेना का अपमान है। भागवत जी के बयान से तीन चीजें निकल करके आती है। पहली बात, सन 1925 से 1947 के बीच में संघ बड़ा अनुशासन में था, लेकिन वो अनुशासन उनका अंग्रेजों के प्रति था, अंग्रेजों के पिट्ठू के रूप में संघ काम कर रहा था। तब उनकी सेना कहां गई थी? तब उनकी सेना ने क्यों नहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य किया? उसके बाद 47 से लेकर के और सन 2002 तक संघ ने अपना राष्ट्रीय ध्वज क्यों नहीं फहराया अपने मुख्यालय पे? तीसरी बात जो निकल करके आती है संघ के बारे में, 1963 में निश्चित रूप से गणतंत्र दिवस की परेड में आपको शामिल किया गया था, ये नेहरू जी की मानता है। नेहरू जी को जहां आप अपने बारे में कोई सॉफ्ट चीज होती है तो वहां इस्तेमाल करते हैं, बाकी जगह नेहरू जी की आप आलोचना करते हैं। सर आपके 60 सेकंड पूरे हो गए, वापस आएंगे, लेकिन आपके मुताबिक आरएसएस प्रमुख जो कह रहे हैं उसमें सेना का अपमान है। शायना एनसी, सेना का अपमान है तो बीजेपी चुप क्यों है? आपके 60 सेकंड। जिस
चाइना, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, हम तकनीकी दिक्कत को दुरुस्त करेंगे, वापस आपके पास आएंगे और आपका पक्ष जानूंगी, लेकिन हमारे साथ कर्नल तेज टिक्कू मौजूद है। कर्नल तेज टिक्कू, क्या ये सेना का अपमान है जब ये कहा जाता है कि सेना को 5 से 6 महीने लगेंगे तैयार होने में, आरएसएस 3 दिन में तैयार हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले ये कहना कि फौज को 5-6 महीने लगेंगे तैयार होने में, ये ठीक बात नहीं है। ये बिल्कुल एक्चुअली फैक्ट से अलग है, क्योंकि स्टैंडिंग आर्मी उस देश की होती है जिसको हमेशा खतरा होता है, और स्टैंडिंग आर्मी का मतलब ही ये है कि आप उस आर्मी को इमिजिएटली इस्तेमाल करते हैं जब भी देश के ऊपर कोई थ्रेट आ जाए। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर देश के अंदर कोई भी इमरजेंसी पैदा होती है, कोई दुश्मन हमारे ऊपर हमला करता है, तो पूरा देश मोबिलाइज हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक जवान जब टैंक चलाता है सरहद पर, या बंदूक का इस्तेमाल करता है, या गन चलाता है, उसके पीछे कम से कम 4 से 5 आदमियों का लॉजिस्टिकल बैकअप होना चाहिए। और इसके लिए अगर आरएसएस ने बोला है कि वो तैयार है सेना की मदद करने के लिए, तो मुझे लगता है ये वेलकम स्टेप है, क्योंकि पूरा देश लड़ता है, सिर्फ आर्मी नहीं लड़ती है। तो इस वजह से मैं समझता हूं ये थोड़ा बयान तो है। आपके मुताबिक अगर वो ये कह रहे हैं कि हम तैयार हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, हालांकि जो बयान दिया उसको बेहतर तरीके से वो रख सकते थे, जिस तरह से उन्होंने रखा वो शायद ठीक नहीं है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद है राजकुमार भाटी जी। राजकुमार भाटी जी, अगर कोई तत्परता दिखा रहा है, ये कह रहा है कि हम तैयार हैं जाकर सेना की मदद करने के लिए, ये तो मुद्दा बार बार उठता है कि शिवसेना या आरएसएस या बीजेपी के जुड़े तमाम और संगठन, वो अगर सीमा की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र के सम्मान की बात करते हैं, तो जाकर सीमा पर लड़कर दिखाएं, वो तो कह रहे हैं हम तैयार हैं, हम 3 दिन में चले जाएंगे, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए था, इसकी निंदा क्यों की जा रही है, इस पर विपक्ष टूट क्यों पड़ा? जो मोहन भागवत जी का बयान है, सबसे पहली बात तो ये है कि वो भारतीय राज्य की संप्रभुता पर आक्रमण है, उसके लिए ये चुनौती है। ये कहना अगर कोई, और मैं तो कहूँगा भारतीय खुफिया एजेंसियों को, रॉ को, और उनको भी, इंटेलिजेंस को भी, इसको गंभीरता से लेना चाहिए, और ये देखना चाहिए क्या इस देश में कोई ऐसी तंजीम भी है जो भारतीय सेना से भी ताकतवर है। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा, अगर ऐसा है तो, अगर है तो उसको कंट्रोल करें और उसको तितर बितर करें। बाकी जहाँ तक भागवत जी का बयान है कि हम भारतीय सेना की मदद करेंगे, अभी तक तो ये पाकिस्तान की मदद ही करती रही है, ये संगठन करता रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत में हिंदू मुसलमान लड़ें, भारत में भाईचारा नष्ट हो, भारत का सौहार्द नष्ट हो, धर्मनिरपेक्षता नष्ट हो, वो काम आरएसएस बखूबी करती रही है। लेकिन अब जहाँ तक आप कह रही हैं कि ये भारतीय नागरिक कर सकते हैं, भारतीय नागरिकों के लिए और बहुत काम करने के लिए, अंदर भी बहुत काम है, सेवा के बहुत काम है, सेना की जगह जाके लड़ना और ये कहना तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा निंदाजनक है कि भारतीय सेना को 6-7 महीने लगेंगे तैयार होने में। ये भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने वाला है। ठीक है, आपका समय पूरा हो गया, हमारे अगले राउंड का वक्त हो गया है, सबसे बड़ा सवाल जिसमें हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। अब निजय शवस्थित जी, मैं आप ही के साथ इस चर्चा को वापस खोलूंगी, हमारे सभी मेहमान इसमें शिरकत कर सकते हैं। बड़ा सवाल ये कि अगर आरएसएस प्रमुख ये कह रहे हैं कि हमारे जो अनुशासन है वो इस तरह का है आरएसएस के भीतर कि आप 3 दिन में जाकर मदद कर सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो सेना के बारे में भी तो बात कर रहे हैं ना। शुरू का सेंटेंस तो उनका ये जिसमें वो कह रहे हैं 6 से 7 महीने लगेंगे सेना को तैयार होने में, यही अगर हमारे दुश्मन सुन लेंगे तो किस तरह का प्रभाव भारत को लेकर होगा? हमारी सेना को 6 से 7 महीने लगेंगे, वो तो हर वक्त तैयार है, सीमा पर लड़ रही है। देखिए देखिए, जो लोग नहीं जानते वो इस तरीके का बयान का अर्थ निकालते हैं। सेना को 5-6 महीने नहीं, सेना तो सर्जिकल स्ट्राइक करके आई थी जिस पर क्वेश्चन मार्क किए थे, सेना का सबसे बड़ा अपमान होता है। यही मैं कह रही हूं, सेना तो हर समय लड़ रही है। सेना का सबसे बड़ा अपमान तो था जब कोई एक राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति सर्विंग आर्मी चीफ को सड़क छाप गुंडा कहे, सर्विंग आर्मी चीफ को सड़क छाप गुंडा कहे, सर्जिकल स्ट्राइक पर कहे फेक है, खून की दलाली करते हैं लोग, इस तरीके के बयानों से सेना का अपमान होता है, एक बात। लेकिन आज मैं इन आरोपों की बात नहीं कर रहा हूं, बात यह है कि अगर कल को हमें अचानक, और युद्ध की पहले से कभी घोषणाएं नहीं होती, लेकिन सेना के पीछे तमाम ऐसी जरूरतें होती हैं जैसा कि कर्नल साहब ने अभी कहा, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें एक संगठित, एक अनुशासित अगर कोई हो, जिसमें एनसीसी भी होती है, एनसीसी भी होती है, होमगार्ड्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है, उनके पास एक अनुशासन का पैरामिलिट्री या जो शुरू की चीजें होती हैं उसके साथ अगर हम भी अपना सहयोग दे सकें तो ये सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। भाटी जी आप तो ना ही बोले,
आप पहले बताइए, आपने सड़क छाप गुंडे पर क्या कहा था? सड़क छाप गुंडे पर क्या कहा था? आपका थ्योरी है कि मैं ना बोलूं? नहीं, मैं आपसे कम देशभक्त हूं। ये देश मेरा नहीं है क्या? आपका है? नहीं, बिल्कुल आप देशभक्त हैं। हमने देश के लिए खून नहीं दिया। आप तो उस समय अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे जब हमारे बुजुर्ग जेल काट रहे थे और फांसियां खा रहे थे। मेरे सगे दादा ने 1857 में फांसी खाई बुलंदशहर काले आम पे। आप हम कहते हैं हम ना बोले? आप ये बताइए, क्या आप मोहन भागवत जी के इस बयान से सहमत हैं कि भारतीय सेना को मिलने लगेंगे? अब आप सुन लीजिए, क्या आप इस बयान से सहमत हैं? इसका जवाब दे दिया। हाँ, नाम है किस बात से? मोहन भागवत जी ने कहा भारतीय सेना को तैयार होने में 6 से 7 महीने लगेंगे। भारतीय, तो क्या आप इस बयान से सहमत हैं? आप बताएं, मैं चुप हूं। आप बताएं, सेना के बारे में नहीं मालूम आप जैसे लोग? भागवत जी को नहीं मालूम? आज नहीं, भागवत जी को सेना के बारे में नहीं मालूम? अच्छा, सड़क छाप गुंडा क्या था? नहीं, आप सड़क छाप गुंडा हम नहीं कहते। सड़क आपकी आपके लाइफ पार्टी नहीं कहते? आपने जैसी को बताया का जवाब राजीव त्यागी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। हमारे साथ शायना एमसी भी जुड़ गई हैं। उसका सम्मान, हमारे साथ शायना एमसी भी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं कि 1962। ठीक है सर, इस पर राजीव त्यागी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं क्योंकि आप उन पर ही आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर ही आप आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। लेकिन मैं पहले बीजेपी की प्रतिक्रिया ले लूं सर, बीजेपी की प्रतिक्रिया ले लूं पहले। शायना एमसी, सेना का क्या अपमान नहीं अगर ये कहा जाता है कि 6 से 7 महीने लगेंगे सेना को तैयार होने में, इस पर बीजेपी चुप क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो हर एक नागरिक खड़ी है हमारे सेना के साथ। जहां जहां किसी की देहांत हुई है, हमने कहा है कि कोई बलिदान की दृष्टि से न देखे, देखें कि ये त्याग का जो मुंह तो जवाब देने की आवश्यकता है वो हर नागरिक के तरफ से आएगा। अभी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे नेशनलिस्टिक मूवमेंट कहते हैं कि हम खड़े हैं हमारे सेना के साथ, ये आप नकारात्मक सोच क्यों समझते हैं? आप क्यों नहीं समझ सकते हैं राष्ट्रभक्ति का सबसे पहले एक जो टेस्ट आपको करना है तो तब होता है जब देश को जरूरी है अपनी आम नागरिक और अपने जो देशभक्त हैं उनका। मतलब जो इसमें राजनीति कर रहे हैं वो नकारात्मक सोच से देख रहे हैं? कर रहे हैं तो बिल्कुल नकारात्मक सोच से कर रहे हैं। राजीव त्यागी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं क्या? सिर्फ आप राजनीति के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं? नकारात्मक सोच है आपकी? आरएसएस प्रमुख तो कह रहे हैं हम तैयार हैं। नहीं देखिए, मैं तो जो संघ के यहाँ विचारक बैठे हैं, जो प्रचारक बैठे हैं और जो मुखपत्र हैं इस टाइम संघ के, अब निजेश जी, उनका बड़ा सम्मान करता हूँ और वो प्रोफेसर हैं, उम्मीद करूंगा कि अपने ज्ञान का यहाँ पे प्रदर्शन करें बेहतर तरीके से। जिन लोगों ने, संदीप दीक्षित जी ने कहा सेना अध्यक्ष के बारे में, संदीप दीक्षित ने खेद भी प्रकट किया, कांग्रेस पार्टी ने भी ये कहा कि ये निश्चित रूप से निंदनीय बयान है और कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल ये माना कि ये बयान गलत है। लेकिन क्या अवनीश अवस्थी जी, जो बहुत ही बड़े एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्या ये मानेंगे कि संघ ने 1947 तक कोई योगदान नहीं दिया देश की आजादी में? क्या संघ का कोई व्यक्ति शहीद हुआ इसके बारे में बता दें? संघ ने 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया इसके बारे में बता दें? संघ ने तिरंगे का विरोध क्यों किया इसके बारे में बता दे? गोलवलकर जी ने संविधान का विरोध किया इसके बारे में बता दे? के बारे में और जिस तरह से अमित शाह जी अभी हरियाणा, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अमित शाह जी अभी हरियाणा का दौरा करना चाहते हैं, खुफिया एजेंसियों ने सलाह दी है कि हरियाणा ना जाए, ये एक भारत टाइम्स की रिपोर्ट है। खट्टर सरकार ने 150 कंपनी मांगी है वहां पर, 150 कंपनी अर्धसैनिक बलों की मांगी है। क्या संघ के कार्यकर्ता जाकर के अमित शाह की सुरक्षा करेंगे हरियाणा में जाकर के? और मेरा लास्ट कहना है सर, बस हो गया, बस सारी चर्चा आप ही कर लेंगे ना, जवाब लेते हैं। जो आरोप लगा रहे राजीव त्यागी उस पर आप स्वतंत्र हैं क्योंकि वो आरएसएस पर आरोप लगा रहे हैं, आप जवाब दीजिए। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, उसके साथ ये बहुत एक सप्लीमेंट्री मेरा सवाल भी है। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं राजीव जी, जवाब सुन लेते हैं राजीव जी, बोल दिया आपने, कई सवाल उठाए हैं, जवाब तो सुन लीजिए। अवनीश जी, आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं इस पर क्योंकि सीधे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि संघ, जो संघ प्रमुख, अगर हम बात मान भी लें जो आप कह रहे हैं उसको उसी तरह से वो कहना चाहते थे, तो भी उन्होंने गलत शब्दों का चयन किया? उनका जो वक्तव्य है उसका जो पहला हिस्सा है जिसमें वो कह रहे हैं कि सेना को 6 से 7 महीने लगेंगे, वो उसी तरह का मतलब निकलता है जो निकाला जा रहा है? क्या उसके लिए आपको नहीं लगता कि उन्हें थोड़ी सफाई देनी चाहिए कि ये उनका पक्ष नहीं था, ये वो नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि मतलब उसका यही निकलता है? ऐसा है जी, ऐसा है कि संघ की तरफ से भी बयान आया है। हाँ जी, मनमोहन वैद्य ने बोला जी। हाँ, मनमोहन वैद्य जी का भी बयान आया, लेकिन उससे बड़ी बात यह है
उससे बड़ी बात यह है कि मैं इन सब लोगों की कि कांग्रेस का कौन पिट्ठू था, कौन राय बहादुर था, कौन किसके साथ लेडी माउंटबेटन के साथ पत्र लिखता था, मैं इस सब डिटेल में जाना चाहूंगा। तो जिस दिन चाहे ओपनली मेरा ओपन चैलेंज है कि मैं बता दूंगा कि किसने कौन कितने दिन कहां कार्यपानी की जेल में रहा सावरकर की तरह, और कौन नैनी जेल में रहा।